चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैं दोस्तों स्टारफिश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना जा रहा हूं। सबसे पहले ये बता दूं कि स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम स्टेरिएसिस होता है। इसको फाइलम इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है दोस्तों। स्टारफिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली पंचती और इस समय पेंटामेरे रेडियो समेट्री वाले यूडोरोस्टोमी यूसुलोमिने यू मेटाजो आते हैं, जिनकी देहभित्ति कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं ऑसिकल्स या कंटिकाओं की उपस्थिति के कारण खुरदरी द्रण और चिमड़ होती है। इसमें लार्वा प्रवस्था में शरीर की असीमित द्विपाक्षी बायलेटरल होती है। इसमें शीर्ष तथा स्पर्श मस्तिष्क नहीं होता, ब्रेन नहीं होता दोस्तों। शरीर में सुलोम गुहा से व्युत्पन्न एक अद्वितीय जल संवहनी तंत्र वैस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। इसी गुहा के खोखले स्पर्श दर्श पर्वत और जिन्हें ट्यूबफ्यूट कहते हैं, ट्यूबफ्यूट का काम दोस्तों गमन के लिए होता है। रुधिर प्रसंस्करण तंत्र हीमल सिस्टम और विकसित होता है। विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होते परंतु विशिष्ट श्वसनांग होते हैं। अब इसके डायग्राम में आ जाते हैं दोस्तों। इसमें फाइव आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 फाइव आर्म्स होते हैं दोस्तों। मेटोपोडाइट होता है, मेटोपोडाइट सही क्षेत्र के क्षेत्र से होकर समुद्री जल संवहनी तंत्र में जाता है, मेटोपोडाइट कहते हैं। एनस होता है दोस्तों, सेंट्रल डिस्क होता है दोस्तों। इसमें ट्यूब फूड होते हैं, ट्यूब फूड गमन के लिए सहायता करते हैं। ट्यूब फूड दो खांचों में बटे रहते हैं दोस्तों। पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन होती है, अम्बिलिकल ग्रूव होती है दोस्तों, माउथ होता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे की बात बता दूं, छिछले समुद्र में पत्थरों चट्टानों या तल की मिट्टी पर रेंगती है स्टारफिश। चपटा सा शरीर पेंटामेरा तारे जैसा होता है, मध्य में बड़ा सा परंतु अस्पष्ट सा शरीर पिंड या केंद्रीय सेंटर डिस्क होता है, केंद्रीय सेंटर डिस्क होता है दोस्तों। तथा इसकी निकली पांच छोटी छोटी शंकाकार अरी भुजाएं आर्म्स होती हैं, जो आर्म जो होती पाँच होती हैं, 1 2 3 4 5 होती हैं आर्म्स दोस्तों। मुख्य केंद्रीय बिम के अधर अर्थात मुख्य सेंटर मुख्य तल ओरल सफ़ेद बीच में, गूदा बिम में ऊपरी और ओरल तल पर। इसी तल पर एक अन्य बड़ा छिद्र जिस पर मेटोपोडाइट नाम का छिद्र मेटोपोडाइट नाम का छलनी सदृश सीट लाइक ढक्कन होता है। इसी छिद्र से होकर समुद्री जल संवहनी तंत्र में जाता है। मुख्य तल पर मुख से लेकर प्रत्येक भुजा के शिखर तक फैली अम्बिलिकल ग्रूव होती है दोस्तों। खांचों के किनारे किनारे छोटे चल अचल कैल्शियम युक्त कटिकाओं की तारें होती हैं, कि नीचे किनारे किनारे कैल्शियम युक्त कांटों की कटिकाएं होती हैं दोस्तों। प्रत्येक अम्बिलिकल खांच में इधर उधर छोटे खोखले संकुचनशील ट्यूब फ्यूड की दो कतारें होती हैं, ट्यूब फ्यूड होते हैं। ट्यूब फ्यूड का काम दोस्तों गमन का होता है, भोजन ग्रहण और श्वसन में भी सहायता करते हैं। दो खाचों में ट्यूब फ्यूट होती है दोस्तों। त्वचा दृढ़ चिमड़ होती है, इस पर अनेक कैल्शियम युक्त कटिकाएं स्पाइन चिमटीनुमा पेडिसिलेरी तथा उंगलीनुमा डर्मल गिल्स होता है। देहभित्ति एवं अतरांगों के बीच द्रव से भरी विशाल सुलोम होती है। केंद्रीय बिम में मुखदार गुदा के बीच फैली छोटी सी आहार नाल होती है। गमन के लिए नाल पादों से संबंधित एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसमें मेटोपोडाइट से होकर जल बहता है, मेटोपोडाइट से होकर समुद्र जल बहता है। परिसंचरण तंत्र के लिए दे गुहा के ही अंश के रूप में होता है। हिमल सिस्टम अलग विकसित होता है। उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते, तंत्रिका तंत्र त्वचा में निलंबित होती है। संवेदन भी त्वचा में आभुजाओं के शिखर पर होती है। ये एक लिंगी होते हैं। जनन तंत्र सरल होता है, इसमें पाँच जोड़ी जनद होते हैं। सहायक जननांग मैथुनांग नहीं होते दोस्तों। संचेचन या निषेचन भ्रूणी परिवर्तन जल में होता है। जीवन वृद्ध जटिल होता है, इसमें तीन प्रकार की लार्वा स्टेज बनती हैं तथा मेटामॉर्फोसिस भी होता है। इसमें पुनरुद्भवन रीजनरेशन की बहुत क्षमता होती है। ये था कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें दोस्तों स्टारफिश या स्टेरियसिस के विषय में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।